यह दोस्तों होंगे i20 एक्स्ट्रा वेरिएंट 2022 वाला वेरिएंट है और इसका मैं चला चुका हूँ 8000 किलोमीटर। यानी कि 8000 किलोमीटर के चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा है वो आपको बताऊंगा, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो आप सुनना या फिर देखना कि आपको ये वेरी करते, अगर वेरी करते तो फिर आप सोच सकते हो कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो मेरी गाड़ी है, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी है, देखो वो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट पे कि फैक्टली ये कैसी है, कैसे स्पेक्स आते हैं, क्या आता है, क्या मुझे प्रॉब्लम लगी, क्या नहीं। तो इन डेप्थ रिव्यू होगा कि मतलब मैं इसकी सारी सच्चाई आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी है मतलब मैं तारीफ करता रहूंगा कि नहीं ये तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, वो अपन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ सिंपली सच बताएंगे कि क्या है इस गाड़ी के साथ मेरी फीलिंग। तो की बात करो तो एज इट इज़ तो मुझे की अच्छी लगती है इनकी, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं की में, मतलब थोड़ी सी प्रीमियम से और बना सकते तो आपको अच्छी लगेगी। और गाड़ी वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं जो कि इसकी प्रीमियम कैटेगरी में आती है, लाइक क्रेटा, i20 हो गई, वेन्यू हो गई, अल्कज़ार हो गई, उनके हिसाब से अलग की डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो दूसरी बजट सेगमेंट है उनके हिसाब से अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सेम ही लगती है। अब जब आप गाड़ी लोगे तो फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि लुक एंड फील कैसा है गाड़ी का, मतलब क्या इसके लुक में मिलता है, क्या इसके फील में मिलता है, तो उसकी बात फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी को देखोगे तो देखो ये जो है आपको बहुत लोगों को मतलब ये मिक्स रिएक्शन है, कहीं लोगों को ये नई वाली पसंद आती है, कहीं लोगों को नई वाली पसंद नहीं आती, लेकिन मेरा जो ओपिनियन की बात करता हूँ ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। यानी कि बहुत स्पोर्टियर भी नहीं है, बहुत मिनिमल से भी नहीं है, एक बीच में रहता है, यानी कि बीच वाला मज़ा आपको दे देती है, मतलब थोड़ी सी स्पोर्टी लगती है, थोड़ी सी स्पोर्टी नहीं भी लगती, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मुझे ओवरऑल इसका लुक पसंद आता है, मस्त लंबी सी थोड़ी प्रीमियम सी गाड़ी ये लगती है इन सेगमेंट, ये थोड़ी सी स्पोर्टियर लगती है जितनी भी इसकी कॉम्पिटिटर है उससे। अदरवाइज आप बलेनो को भी देख सकते हो, ग्लांजा को भी देख सकते हो, और ये दोनों एक ही है। ट्रोस जो है वो बहुत ही एक रेस एडिशन में आने वाले, तो वो बहुत मुझे अच्छी लगी है। बट एक मिनिमल से लुक की बात करें, जो हमको फैमिली मैन हो या फिर आपके परिवार में सबको पसंद आ सकते, तो इसकी लुक मस्त है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में 3 स्टार लेके आती है, लेकिन मैं कहता हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर सेंसर दिया हुआ उन्होंने, दोनों सीट पे आपको अलार्म बजता रहेगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं, उसके वजह से यहाँ पर आपको 3 स्टार मिल जाते हैं, अदरवाइज 2 एयरबैग आते हैं उसकी वजह से मिलते हैं, कोई ऐसा एज इट इज़ कोई बहुत तगड़ा वाला सेफ्टी फीचर नहीं मिलता आपको। देखो बिल्ड क्वालिटी की बात करो, ये दबता है, ये तो प्लास्टिक है, ये मतलब फाइबर का है, ये भी फाइबर का है, ये पतरे का है, लेकिन ये दबेगा, देखो इट्स नॉट एज, देखो ये दबता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बेकार है, मैं पहले ही कहता हूँ ये हुंडई की कार जो जितनी भी होती है बिल्ड क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो मेरा एक है सुझाव कि थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी सुधार दो, अदरवाइज तुम मस्त गाड़ी बनाते हो। पहले बात कर बैक सेक्शन की, तो हमने ओवरऑल लुक एंड फील की बात कर ली, लेकिन बैक सेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग को पसंद आता है, कुछ लोग को नहीं पसंद आता। मेरे को पहले स्टार्टिंग में नहीं पसंद था, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तब मुझे अब अच्छा लगने लगा, लाइक कुछ टाइम दो उसको कि आपको अच्छा लगने लगे, कुछ टाइम बाद मुझे अच्छा लगने लगा था। हाँ पहले नहीं अच्छा लगता था, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो देख के इम्प्रूव हो गया, मतलब पहले नहीं पसंद आता था अब पसंद आता है। और नीचे जो ये आपको ब्लैक्स स्कीट प्लेट पीटी वो बहुत ही अच्छी लगती है, इवन ये आपको आई10 भी मिल जाएगी, ऐसी इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी एग्रेसिव सी स्पोर्टियर सी आपको यहाँ पे फील देता है। और पीछे आपको टेल एम सेक्शन मिलता है, पूरा ही LED मिलता है, इवन आपको स्पोर्ट में भी LED मिलेगा, लेकिन आपको मैग्ना और उसमें आपको नहीं मिलेगा LED वाला, और बीच में आपको क्रोम की पट्टी देती है। मैं ये कहना चाहता था कि यार यहाँ पे लाइट ही देते मस्त लगता, लेकिन शायद अभी नई i20 में आ सकती है, क्योंकि अब हुंडई रनिंग लाइट में ज़्यादा ही फोकस कर रहा है। वेन्यू में देख लो अभी न्यू i10 का जो उसमें आया, न्यू i10 न्यू सही, उसमें भी आपको कनेक्टिंग लाइट मिलती है। सो मोर ओवर मुझे लगता है कि अगर ये इसका अपडेटेड वर्जन अभी आया तो उसमें आपको रनिंग लाइट मिल जाएगी, और वाइपर और डिफोकर आपको मिल जाए, तो देखो ये यूजफुल वाले जो फीचर्स है, लेकिन ओवरऑल लुक को इंक्रीज करते हैं, अच्छी लगती है पीछे से। ऊपर शार्किंग एंटीना है जो कि वो भी मस्त लगता है, और आगे से भी आपको मस्त शार्प एजेस वाला आपको यहाँ पे बनेट मिलता है, और ये ग्रिल भी बहुत ही मस्त लगती है, और ये स्कीट प्लेस भी बहुत ही अच्छी लगती है और लुक को इन्हेंस करती है। अब बात करें इसके ओवरऑल फीचर को, मतलब ओवरऑल लुक को जो अच्छे करते हैं वो है इसके अलॉय व्हील 16 इंच के आते हैं डायमंड कलर वाले। अब ये आपको एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में मिलेंगे, आपको यहाँ पे स्पोर्ट में ये नहीं मिलेंगे, आप डलवा सकते हो एसेसरी 30,000 अराउंड के कुछ डाला सकते हो, वो तो आप जुगाड़ कर लेना, लेकिन हाँ ओवरऑल ये मस्त ऐसे फील देते हैं, सूट होते हैं। और ऐसा नहीं कि गाड़ी के पहिए बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा छोटे, इस गाड़ी को मैच करते हैं। देखो बहुत गाड़ी में आप नोटिस करना कि वहाँ पे जो पहिए होते हैं वो गाड़ी के साथ एक्चुअली में फिट नहीं देते, आपको थोड़े से छोटे लगते हैं फिर ज़्यादा बड़े लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ ये परफेक्टली मैच होते हैं, परफेक्टली साइज़ के हैं।
और यहाँ पे आपको अभी सीएट के टायर मिलते हैं, देखो ये सीएट के टायर मिलते हैं, ब्रिकस्टोन के भी मिलते हैं, किसी भी कंपनी को मिल सकते हैं। अभी टाइम टू टाइम वेरी करके आप किस टाइम पे गाड़ी लेते हो, किस टाइम पे वो किस वेंडर से गाड़ी टायर उठा रहे, तो वो भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इसकी लाइट प्लेसमेंट की, मतलब लाइट कैसी भाई गाड़ी की, तुमने गाड़ी की बात कर ली वो कर ली, लाइट कैसी। देखो यहाँ पे आपको एलईडी ब्लेस प्रोजेक्टर लैंप मिलता है, यहाँ पे आपको हेलोजन वाली सिग्नल लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको डीआरएम मिलेगी जो कि पूरी वाइट डलती है, मस्त दिखती है। नीचे आपको फॉग लैंप मिलेगी, लेकिन फॉग लैंप की बात करूँ तो भाई ये तो हेलोजन के साथ है, लेकिन इसका थ्रो एकदम बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलोजन ही दो, लेकिन थ्रो अच्छा देते तो अच्छा होता फॉग वगैरह में, क्योंकि एलईडी सेटअप के साथ आता है, तो हेलोजन देना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉग वगैरह में एलईडी नहीं ठीक से थ्रो होती थी। लेकिन ये जो था वो अच्छा ब्राइट देते तो क्या ही जाता आपका, अब इतनी लाइट दे ही देते तो ये अच्छा ब्राइट दे देते, तो ये थोड़ा सा बेकार है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ओवरव्यूज पे आपको यहाँ पे मिल जाती है जो सिग्नल इंडिकेटर का काम करता है, तो ओवरऑल अच्छा लगता है। बाकी आपको यहाँ पे पूरा एलईडी सेटअप तो मिलता ही है। अब तो लाइट वगैरह की बात हो गई, चलो एक बार ऑन करके देखते हैं अगर ये हो पाता, क्योंकि मैंने ऑटो पे सेट की हुई है, अगर अनलॉक करूँगा तो शायद अनलॉक मतलब ये लाइट जल गई तो अच्छी बात है। नहीं अभी इसका अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जल सकती है, मतलब ऐसा अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में तो ये जल जाएगी। और यहाँ पे आपको पेडल लैंप भी मिलता है जो कि जलता रहता है, मतलब आपको ऐसे रात में मस्त ऐसे दिखा देगा, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट फीचर लगता है। तब ये तो हो गई बाहर की बात, अब अंदर जाते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं फटाफट से कि अंदर क्या मिलता है क्या नहीं। अब मैं आ गया हूँ बैक सीट पे, क्योंकि बैक सीट पे आना जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जाएंगे इससे पहले बैक सीट पे बात कर लेते हैं। देखो मेरी साइज़ है, मतलब मेरी हाइट है 5'4" और देख से आपको लगते हैं कि मैं थोड़ा सा हेल्दी भी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो दूसरी गाड़ी थी उसमें क्या दिक्कत थी, मेरे पास स्पेस ही नहीं बचता था पीछे बैठने को, मतलब अगर बैठूंगा तो ऐसे बैठना पड़ता था, यानी कि मेरे लंगर सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं रहता था, अंडर थाई भी सपोर्ट भी आपको बिल्कुल ही नहीं मिलता, लेकिन इसमें वो दिक्कत नहीं, इसमें स्पेस बहुत ही अच्छा है। इस सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल आपको गुड स्पेस मिलता है, मतलब मजा आता है स्पेस में। दिखा देता हूँ, देखो ये मेरे पैर है, अब ये पैर है तो मस्त, मुझे आपको ऐसे भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से सेट की हुई है, लेकिन कोई भी सेट करेगा तो यहाँ पर मस्त आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, इवन आपको अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही मस्त मिलता है। इन मॉडल आप मस्त कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो, उसमें लॉन्ग ड्राइव भी जा सकते हो, ऐसी चीज कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेस के मामले में, ओवरऑल मैं स्पेस से खुश हूँ। पीछे क्या क्या मिलता है आपको, पीछे मिलते हैं ये दो एसी वेंट, देखो दो एसी वेंट पीछे मिल रहे हैं इन गाड़ियों में, बाई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मिलते हैं मस्त ऐसे कूल कर देंगे पीछे वालों को, क्योंकि एजरिस क्या होता है कि अगर आगे ही मिलते तो पीछे वालों को बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत टाइम बाद वो गाड़ी ठंडी होती है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप फोन भी रख सकते हो और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे फोन रख लो, यहाँ पे चार्जर लग लो। मेरे मतलब फैमिली वाले दोस्त वगैरह हम घूमने अगर जाते रहते तो वो मस्त यूज़ करते रहते। और बात करें अंदर की दूसरी स्पेस की, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा कांच मिलता है, यहाँ पे अलग मिलता है, और ये जो मेरा हेड रूम है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है, कोई एक पूरा हाथ चला जा रहा है, तो हेड रूम भी आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा मिलता है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको ग्रे हैंडल मिल जाता है। तो ओवरऑल पीछे की बात करूँ तो पीछे से मैं खुश हूँ, मुझे एज इट इज कोई दिक्कत नहीं, आउटडेटेड नहीं, मस्त लगता है। लेकिन एक ही दिक्कत है इसमें, आपको ना इधर वाला वो मिलेगा, आप हाथ रख सकते हो वो भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग इसकी वजह से, और यहाँ पे आपको एक्सेसिबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देते तो क्या जाता है, इतना तो दे सकते थे यार, ये क्यों कॉस्ट कटिंग कर लिया, मतलब इसको देना चाहते एटलीस्ट ये बीच वाला ने ये एक्सेसिबल हेडरेस्ट मिल देते तो क्या ही जाता आपका, बट क्या ही करें अब इसकी कॉस्ट कटिंग हो गई यहाँ पे। बाकी आपको ये जो है पूरे मेटल मिलते हैं और ये भी मस्त मिलता है, ये भी मस्त मिलता है, ये भी मस्त ही मिलता है, और बोस की स्पीकर मिल जाता है आपको एसटी यूनिट में। देखो पहले एक लेकर देता हूँ, ये एसटी यूनिट है, इसमें अभी भी बोस के स्पीकर आते हैं, 7 स्पीकर सेटअप जो आता है बोस का वो आता है, डिक्की में आपको सबवूफर मिल जाएगा, उसको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि दिखा के क्या ही फायदा है उसको। बाकी ओवरऑल ये अच्छा स्पेस है पीछे, और आपको दरअसल मस्त बोतल वगैरह रखना तो वो भी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और बोस की ब्रांडिंग आपको सभी ही डोर पे मिल जाएगी, हाँ अगर आप भूल जाओ कि आपकी गाड़ी में बोस के स्पीकर है तो मतलब मिल जाएगी आपको। तो अब आ गए हम आगे, हम आगे मतलब गाड़ी में आगे आ गए, मतलब जिंदगी में तो वहीं पीछे ही अभी, तो गाड़ी में हम आगे आ गए। अब देखते हैं कि ओवरऑल केबिन का एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा मुझे क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं लगा। पहले बात कर ले लुक एंड फील की, देखो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का लगता है, मस्त लुक देता है, मैं लुक के मामले में इससे खुश हूँ, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कि मतलब लुक में ऐसा मस्त लगता है, लेकिन सारे यहाँ पर प्लास्टिक मिलता है वो भी ठीक नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा सॉफ्ट टच होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे ही प्लास्टिक मिलेगा, इवन यहाँ पे इवन सॉफ्ट प्लास्टिक भी नहीं है, हार्ड प्लास्टिक का आपको पूरा ही सेटअप मिलेगा, तो मैं ये कह रहा था थोड़ा सा सॉफ्ट टच यूज़ कर ले तो क्या ही जाता,
ये सभी आपको प्लास्टिक में ही मिलता है। तो अब कई लोगों को पसंद आ सकता है, कई लोगों को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर ये कुछ टाइम बाद वो वाइट वाइट से होने लगा तो अब मैं क्या करूँगा। तो देखना पड़ेगा कि अभी तो नहीं हुआ क्योंकि 8 महीने हो चुके, अभी कुछ मुझे वाइट वाला कुछ दिखा नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में होता तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसका। स्टेरिंग की बात करो तो आपको यहाँ पे लेदर अप मिलता है विद क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑडियो मीडिया का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। ये अप एंड डाउन अभी भी एग्जिस्ट होता है, मतलब ऐसे आप अप एंड डाउन कर सकते हो तो अपनी अपनी नीड के हिसाब से, तो आपको मिल जाता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है इंस्टॉल, तो वो कन्वीनियंट फीचर है। यहाँ पे बात करते हो सारे आपको यहाँ पे पावर विंडो मतलब एओआर कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बंद करके खोल सकते हो, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अप डाउन का सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है, बाकी एक नॉर्मल, और ये विंडो लॉक वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे अनलॉक और लॉक के बटन मिल जाते हैं, तो और यहाँ पे बटन स्पेस भी अच्छे है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा। देखो ओवरऑल ये जो कैबिन है वो पूरा ही प्रीमियम लुक दे देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो बहुत ही मस्त है, इसका फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। चलो दिखा देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मस्त सा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, मस्त ऐसा आपको आउटडेटेड नहीं लगता। इसके बात करो तो ये आपको 8 इंच का मिलता है, लेकिन आपको बॉस की ब्रांडिंग मिलती है और बॉस के स्पीकर भी मिलते हैं, 7 सेटअप वाले मस्त साउंड करते हैं, मैं तो खुश हूँ, मुझे एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है इनसे, मस्त चलते हैं ये। अब बात करें एसी की तो एसी आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मिलती है, यहाँ पे आप फैन की अप डाउन स्पीड कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिखाता रहेगा टेम्परेचर, यहाँ पे एसी का बटन है, यहाँ पे डिफोगर के बटन मिल जाते हैं, तो ओवरऑल एसी मस्त है, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिल जाता है विथ 12 वॉट चार्जर, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी एक चार्जर मिलता है, यहाँ पे एक यूएसबी लगा सकते हो। ओवरऑल पोर्ट्स के मामले में भी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है इस गाड़ी से, मस्त है। कप होल्डर भी आपको 2 मिलते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अगर बड़ी बोतल रखूँगा तो मैं ऐसे चलाता हूँ, देखा अब यहाँ पे ग्रैब हैंडल है तब मैं ऐसे चलाऊँगा तो मेरे बीच में आती, तो ये थोड़ा प्लेसमेंट मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन हाँ शॉट अगर कैन वगैरह रखना चाहते तो ठीक है, वो आप यहाँ तक नहीं आएगी, बाकी मस्त है। इसके बाद करते तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है, अप डाउन एडजस्ट होता है, अब ऐसे नहीं होता अप डाउन नहीं होता, लेकिन हाँ आगे पीछे कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से मिलता है। हैंड ब्रेक मिलती है, लेकिन मुझे एक ही सभी घूमने की गाड़ी के साथ एक दिक्कत है यार, हैंड ब्रेक थोड़ी सी प्रीमियम दे दो, मतलब इतनी गाड़ी प्रीमियम लग रही है देखो अंदर से, लेकिन हैंड ब्रेक देखो थोड़ी आउटडेटेड सी लगती है, लेकिन थोड़ी सी प्रीमियम दे दो, क्या ही जाएगा आपका इतना कुछ प्रीमियम दब दे ही रहे तो वो वाली चीज़ है। बाकी यहाँ पे लेदर अप मिलता है क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएंट है, यहाँ पे आपको लेदर अप गियर अप मिलता है, बाकी स्पोर्ट वगैरह में आपको नॉर्मल प्लास्टिक वाला मिलेगा, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा लेदर अप, तो वो आप देख लेना। अब सबसे मुझे बड़ी दिक्कत लगी ना, जो कि मुझे आज तक लगी है इस गाड़ी में, कि कैबिन में बैठ गया भाई, ये क्यों इतना बेकार क्वालिटी का दे दिया मेरे भाई, इतनी बेकार क्वालिटी का मिरर है, ये पूरा हिलता है, अभी भी इसमें बॉस कब सीख रहा हूँ मैं, जोर से गाना चाहता हूँ बेस वक्त है, ये पूरा थर्र थर्र कर रहा है, तो जो पहले आता था वो बड़ा वाला वहीं दे देते कम से कम, कोर्स करने के मामले में इसको नहीं देना चाहिए था, बेकार क्वालिटी का है, मैं जनरली बताता हूँ ये बेकार क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पे सनरूफ मिले, लेकिन सनरूफ की मैं एक खास बात बता रहा हूँ, ये इतने आगे क्यों दे दी, अब मेरे यहाँ पे कोई इसको निकलना है या फिर किसी को देखना, इवन पीछे और को जो बैठेगा अब उनको देखना भी है तो उनको बहुत ज़्यादा आगे होना पड़ेगा, तो उसकी प्लेसमेंट कुछ इतने तरफ होती ना तो ठीक होता, प्लेसमेंट बहुत ही बुरी है, अगर आपको ऐसे फोटोज वगैरह खींचने में निकलना तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो मुझे नहीं लगता कन्वीनियंट, पीछे से निकलेगा वहीं ठीक है, अब यहाँ पे आगे से कोई निकलेगा तो मज़ा नहीं आएगा, और निकलना नहीं चाहिए, अगर आप सनरूफ से बाहर निकलते हो मत निकलो हाईवे पे, ऐसे खड़ी हुई है फोटो वगैरह खिंचवाना है या फिर ऐसे गली मोहल्ले में जा रहे हो तभी निकलो, डेंजरस मामला है भाई, जान भी जा सकती है आपकी, तो रोड पे मत निकलना सनरूफ में, मैं किसी को निकलना नहीं देता, मैं भी नहीं निकलता, आज तक मैं नहीं निकला हूँ, वो मेरी गाड़ी है 8 महीनों की, मैं ही नहीं निकला, तो वो चीज़ है। बाकी ओवरऑल सीट और कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही मस्त है, मेरे कोई कंप्लेंट नहीं सीट के मामले में या फिर कंफर्ट के मामले में, लेकिन अब जो मेरे एक कंप्लेंट है वो है, देखो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अब ये मेरे आई लेवल पे आपको बनेट दिख रहा है, यहाँ पे बनेट दिखता है, ये सारी हिंदी गाड़ी की प्रॉब्लम है, आपको बनेट ही नहीं विजिबल होता, देखो अब कुछ आ जाएगी भाई ऐसे ही होता है, देखो मैं मानता हूँ ऐसे ही होता है, बहुत सारी गाड़ी में बनेट विजिबल होता है, इसमें भी होना चाहिए था, अब यहाँ इतना होगा तो मुझे बनेट दिखेगा। अब इसमें से दिक्कत क्या है पता है, ये क्रेटा वेन्यू में सब में दिक्कत है, इसका दिक्कत क्या है कि अगर कुछ उस साइड हुआ, देखो अगर वहाँ पे कुछ हुआ या फिर यहाँ पे नीचे हो तो मुझे नहीं दिखता या फिर आपको भी नहीं दिखेगा, तो मेरा वही सजेशन है कि थोड़ा सा
विजिबिलिटी हो, क्योंकि ये सारी गाड़ी हिंदी की जो होती है उनमें थोड़ा सा नीचे का बैठे नीचे बैठने का प्लेसमेंट होता है, मतलब अब थोड़े से नीचे बैठोगे और ये गाड़ी थोड़ी सी ऊपर, मतलब ये प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर हो गई, तो वो वाली चीज़ें ऐसे ऐसे बैठते हो आप, तो वे थोड़ी सी सुधरने वाली बात है। बाकी आप कहोगे सीट एडजस्टमेंट, भाई वो मैंने कर रखा है फुल पे है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा ही हाई कर दूंगा उसको तो फिर यहाँ पे टच हो जाएगा ना, तो वो भी एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे टच होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट थोड़ी सी डाउन है, तो अगर आपको ये दिक्कत होती है तो यार स्टार्टिंग में आप करोगे, मैंने पहले ही दिन गाड़ी ठोक दी, मतलब एक पाइप था उसमें लग गई थी, बिकॉज मुझे वो नहीं दिखा था बिकॉज ऑफ दिस गाड़ी प्लेसमेंट, तो वो दिक्कत हुई थी मेरे, क्योंकि मेरे पास आज तक जितनी गाड़ी थी उनमें सब में बोनेट विजिबल होता, तो मस्त में निकाल लेता था, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा डाउन है तो फिर वो दिक्कत है। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस था, 16 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं कट करके पता नहीं कितना कट करूंगा, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस हुंडई i20 के साथ। देखो ये मेरा मिक्स ओपिनियन है, बाकी आपको अगर लेनी है तो आप ले सकते हो। और लास्ट में हम बात कर रहे थे इंजन और माइलेज की। देखो इंजन और माइलेज में मुझे आज तक एक्सरिस दिक्कत नहीं हुई, इंजन मस्त चल रहा है, नॉइसी भी नहीं है, एनवीएस नॉइल बहुत ही कंट्रोल है इसमें, एनवीएस नॉइस जो होता है वो बहुत ही कंट्रोल है, आपको नॉइस वगैरह नहीं आएगा, गाने चला दोगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चालू है, और मस्त ऐसे स्मूथ सा साउंड सा करता है। और एवरेज की बात करें तो 15 से 20 तक ये मुझे दे देती है, ये डिपेंड करता है किसी भी गाड़ी में अगर आप चलाते कैसे हो। देखो मैं थोड़ा सा हार्ड चलाता हूँ, मतलब थोड़ा सा हार्डली मतलब थोड़ा सा पुश करके चलाता हूँ, मेरे पापा मस्त स्मूथ चलाते हैं, उनको 18-20 की भी एवरेज देता है, मैं चलाता हूँ तो 12-15 के भी कर देता हूँ, तो वो चलने पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज दे रहा है वो 16 का एवरेज दे रहा है। और इसकी इंजन की हिस्ट्री की बात करें तो इतना ही देता है, और ये अंडर पावर है थोड़ा सा इंजन, मतलब आपको जो पंचीनेस चाहिए तो ये इंजन आपके लिए नहीं है, ये आपको पंचीनेस नहीं देगा, तो उसका भी आप ख्याल रख लेना कि पंचीनेस अगर आपको चाहिए इस गाड़ी में डेफिनेटली आप इससे तो मत उम्मीद करना कि आपको पंचीनेस देगी ये गाड़ी। पंचीनेस चाहिए आपको, बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए तो फिर आप टर्बो वेरिएंट के साथ जो i20 का आता है उसके साथ जाओ। ये गाड़ी स्मूथ ड्राइव के लिए, मतलब जिनको स्मूथ ड्राइव चाहिए, मस्त ऐसी सिंपल सी जाए गाड़ी, तो उनके लिए डेफिनेटली ये गाड़ी है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा पावर एक्सपेक्ट करो इस गाड़ी से तो नहीं मिलेगी पावर। स्मूथनेस इंजन एकदम शांति से चलाना आपको पसंद है डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप टर्बो वेरिएंट वाला भी देख सकते हो जो उसमें बहुत ज्यादा आपको पावर मिलेगी, हालांकि एवरेज भी आपको ठीक ही मिलेगी, ऐसा कि पावर मिलेगी तो एवरेज कम मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आपको पावर चाहिए तो वो ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा आएगा, तो इस वजह से अगर आपको ये लेना है इसमें थोड़ा सा पावर ड्रॉप मिलेगा, ये आपको मैं जनरली बता देता हूँ कि ये मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है हमारा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं ऐसे फेस कैम में, तो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, और गुड नाइट भी, और कोई गुड मॉर्निंग भी, कोई सुबह भी देख रहे तो।